Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to The Civils Club. So yes, in this particular video, we would be talking about the brand new PSIR Test Series Come Mentorship Program, which we are starting very soon. And the name of the program is called as Armageddon. Now, what is this Armageddon? Armageddon is the final war between the good versus the evil before the arrival of the Judgment Day, right? सो आर्मे गेडन इज द कोर्स नेम राइट आई वॉज थिंकिंग क्या रखूँ नाम एंड देन आई थॉट कि यार आर्मा गेडन से अच्छा नाम तो हो ही नहीं सकता द फाइनल वॉर राइट तो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन राइट इस कोर्स के बारे में समझते हैं लास्ट तक अगर आप रुकोगे तो आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी है एंड यू डेफिनेटली डोंट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन दैट चलिए ऑन दिस नोट लेट एस स्टार्ट विद द डिस्कशन सबसे पहले भाई डिटेल्स फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है द कोर्स फी इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल राइट इट इज़

बट एक दो दिन आई विल गिव यू सम वार्म अप क्लासेस थोड़ा सा राइट आई टेल यू राइट अबाउट हाउ वी आर वी टू बी गोइंग अबाउट दिस कैसे आंसर लिखना है या वो ये सब हम बात करेंगे राइट right? एक मेंटरशिप क्वेश्चन रखेंगे विच इज ऑन द सेवेंथ ठीक है एंड देन वी विल बी बिगनिंग फ्रॉम द टेंथ एंड स्ट्रिक्ट एज आई सेड अक्टूबर से नवंबर नवंबर से दिसंबर एंड दिसंबर से जनवरी सेवेंथ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वी विल बी एंडिंग दिस कोर्स एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन ठीक है एक ही बात देखे मैं बोलूंगा जिसका ऑप्शनल पहले रेडी नहीं होता है ना भाई प्री से डोंट इवन थिंक ऑफ क्रैकिंग प्री ठीक है क्योंकि फिर वही बात है तुम प्री दे right. तो right के मेन्स नहीं निकल पाओगे राइट तो इसीलिए स्पेसिफिकली आई ब्रॉट दिस कोर्स राइट नाउ ठीक है तीन मंथ्स के अंदर स्ट्रिक्ट हम करने वाले हैं आंसर राइटिंग क्या होगा कैसे होगा समझो देन देर विल बी टेन टेस्ट इसके अंदर दस टेस्ट रखे जाएंगे राइट एंड दीज टेन टेस्ट विल बी इन्वॉल्विंग एट सेक्शनल टेस्ट एंड टू फुल लेंथ टेस्ट होंगे राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या होगा ये सिर्फ टेस्ट नहीं होगी मेरी यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव पीएसआईआर की मेंटरशिप होगी द वट इज दिस मेंटरशिप फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ्स इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्या होता है एग्जैक्टली मेंटरशिप के बारे में यह हम आगे बात करेंगे बट आई होप यह आपको यहां तक क्लियर हो रहा होगा उसके बाद विल द मॉडल आंसर्स बी प्रोवाइडेड ये मॉडल आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड वेल स्ट्रक्चर्ड मॉडल आंसर्स टू द पॉइंट ठीक है मैं आपको के फॉर्म में दूंगा सो दैट यू कैन लेटर ऑन मेक योर ओन शॉर्ट नोट फ्रॉम दैट एज वेल डिस्कशंस ऑफ द टेस्ट आई विल बी सेपरेटली टेकिंग राइट लाइव डिस्कशंस होंगे आफ्टर द टेस्ट ठीक है तो आप लोग को शेड्यूल दे दिया जाएगा एंड उस दिन हम लोग लाइव जो आंसर्स है डिस्कस कर रहे होंगे सो इफ यू वॉन्ट टू आस्क योर डाउट्स एज वेल तो आप वहाँ पूछ सकते हैं देन उसके बाद क्या है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हु विल चेक द कॉपी राइट द कॉपी इज़ विल बी एवेल्युएटेड बाई मी दैट इज़ वाई आई एम सेंग कि इस पर्टिकुलर कोर्स में आई एम कीपिंग द सीट्स वेरी लिमिटेड क्योंकि एक टाइम के बाद आई विल हैव टू इनक्रीज़ द फीस टू इंश्योर कि भाई कम बच्चा आए क्योंकि फिर मेरे पास एक लिमिट है और फिर वही होगा जो बड़े इंस्टीट्यूटों में होता है ठीक है राइट बकरियों की तरह कोर्स बेचो जो प्रीम क्वालिफाइड नहीं है उनसे कॉपी चेक करवाओ दो दो सौ रुपये में और ये हो जाए दिस इज़ द रियलिटी आई एम टेलिंग यू यकीन नहीं आता तो आप लोग करके देख लो देन इस पर्टिकुलर कोर्स में यू विल बी ऑल्सो भी प्रोवाइडेड सम एक्स्ट्रा मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ टॉपर कॉपीज ठीक है तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अगर किसी को आंसर राइटिंग नहीं पता कैसे करनी है क्या करनी है तो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न टॉपर्स कॉपियों में इस पर हमेशा एम्फिसाइज करता हूँ एंड लास्ट में आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी है डोंट वरी अबाउट दैट नाउ द डिटेल्ड प्लान अब देखो डिटेल्ड प्लान ये मैं आपको दे दूंगा ठीक है राइट एट सेक्शनल टेस्ट होंगे ठीक है हर एक की डेट दस दस दिन के गैप में बेसिकली द आइडिया इज टेन टेन डेज में हम रखेंगे जैसे वी आर स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ऑन टेंथ अक्टूबर राइट तो उसका जो ये टॉपिक है ये आपके सेवन टॉपिक्स है वन ए के यूपीएससी के ही सिलेबस से लिए गए हैं ठीक है ये है सिमिलरली नेक्स्ट टेस्ट इज ऑन ट्वेंटी अक्टूबर तो क्या है वन ए के बाकी तीन टॉपिक्स को हमने यहाँ पर लिया है अब ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है यहां पे सिर्फ तीन टॉपिक्स को इसलिए लिया गया बिकॉज दीज आर वेरी बिग टॉपिक्स राइट डीज आर वेरी बिग टॉपिक्स एंड एज अ रिजल्ट क्या है एज अ रिजल्ट इनको ही एक साथ हमने एक टेस्ट में रखा है थिंकिंग कि स्टूडेंट दस दिन में प्रिपेयर कर ले ठीक है तो ऐसे करते करते राइट टेस्ट फोर देन टेस्ट फाइव टेस्ट सिक्स टेस्ट सेवन टेस्ट एट राइट एंड देन टेस्ट नाइन एंड टेस्ट टेन हो जाएगा एफ एल टी फिफ्थ जैन को हमारी ये टेस्ट सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी डोंट वरी शेड्यूल आपके पास अवेलेबल है टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल से आप ये जाके डाउनलोड कर सकते अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एज आई कि इसके अंदर जो मेन चीज है कि वॉट मेंटरशिप exactly देखो एक चीज आप मान लो राइट right? या नहीं भी मान रहे हो तो आपको ये चीज़ बहुत लेट रिलाइज होगी जब आप मेन्स फेल कर जाओगे दैट मेन्स इज़ ऑल अबाउट कंडेंसेशन ठीक है मेन्स इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट नोट मेकिंग लोग पढ़ते जाते पढ़ते जाते और मटेरियल आता जाता है मार्केट में आता जाता है बच्चे सोचते हम अच्छा कर रहे हैं नहीं मेन्स इज़ नॉट अबाउट एक्सपेंशन मेन्स इज़ अबाउट कंसॉलीडेसन और इस पर्टिकुलर कोर्स में मेंटरशिप के फॉर्म में मैं आपकी मदद करूंगा कंसोलिडेट करने में यानी आप 10 से 15 दिन के अंदर जो वो टॉपिक दिए गए हैं उनके आप हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स को कंडेंस करने में अगर नहीं बनाए तो मैं आपकी मदद करूंगा अगर बनाए तो तो वेल एंड गुड बट स्टिल आई विल पर्सनली रिव्यू ऑल योर शॉर्ट नोट्स अगर आप मुझे भेजोगे और मैं आपकी मदद करूंगा कि देखो इसमें यह गलत है इसमें यह है ऐसे तो शॉर्ट नोट मेकिंग में मैं आपकी यहाँ पर मदद करने वाला हूँ आई एम टेलिंग यू ठीक है राइट मास्टर्स ऑफ द मेन्स हैव बीन द मास्टर्स ऑफ द शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स डायरेक्टली रिपीट करेंगे एग्जाम में दे विल हेल्प यू मेमोराइज तो शॉर्ट नोट्स बनाने में मैं आपकी यहां पे मदद करने वाला हूं यू विल हैव टू मेक द शॉर्ट नोट्स एंड सेंड मी दोस देन कोई भी आपको डाउट होता है पी एस आई आर के रिगार्डिंग आई एम अवेलेबल ऑलवेज ऑलवेज मतलब ऑलवेज यू विल ऑल हैव माई पर्सनल टेलीग्राम आई डी एज वेल एज माई नंबर ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जो जोज एनरोल आप कभी भी पढ़ रहे हो आपको लगता है यार ये डाउट है सर ठीक है अब आपने उससे फाउंडेशन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं आपने वो फोटो क्लिक करी और मुझे भेज दिया एंड आई विल रिप्लाई यू वाई आर वॉइस नोट्स एंड दिस आई डू आई डू ट्रस्ट मी इफ यू डोंट बिलीव मी एक सैम्पल भेज के देख सकते हो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑब्वियसली बात है राइट द प्रायरिटी इज़ ऑन द यू कैन से पेड स्टूडेंट्स उनकी मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये चीज़ होगा देन आई विल टेल यू वॉट इज़ द राइट वे टू स्टडी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं जानमा आ रहा है कैसे पढ़ूँ क्या सोर्सेज को फॉलो करूँ क्या बुक्स को फॉलो करूँ कौन से क्या टॉपिक में आई हैव ऑल दी बुक्स अवेलेबल ओवर हेयर ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा सो so दैट आप ये कॉम्प्रीहसिव वे में तीन महीने के अंदर पूरा का पूरा पी एस आई आर कवर कर लो प्लस आंसर राइटिंग और वो तो टेस्ट के फॉर्म में चेक हो ही रहा है करंट अफेयर्स के डाउट्स अगर आते हैं आपको करंट अफेयर्स को लेके बहुत सारा डाउट्स होता है राइट right? कि सर कैसे करें क्या करें राइट right? अगर कोई आपको टॉपिक सवन में नहीं आ रहा है यू कैन ऑलवेज आस्क मी आई एम देयर ठीक है द पॉइंट इज आई एम देयर एंड आफ्टर एवरी टेस्ट इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू एक्सेस ऑल दिस फीचर देर विल बी अ मेंटर कॉल जहाँ पे आप इवन यू कैन आस्क मी एनी ऑफ योर डाउट्स जो भी आपके डाउट्स है कैसे भी डाउट्स हैं ठीक है देखो एम ये नहीं है कि पी में नंबर आए एम ये होती है कि रैंक आए ठीक और रैंक सत्रह नंबर से आती है ठीक है तो कोशिश रहेगी दैट आपका पूरा का पूरा यहां पे कवर कराया जाए ऑब्वियस ऑब्बियसली बात है आई हैव सम लिमिटेशंस तो इसकी आपको भी रिस्पेक्ट करनी है बट माय अवेलेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर कोर्स विल ऑलवेज बी देयर फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ्स आई एम स्ट्रिक्टली गोइंग टू बी विथ यू नेक्स्ट वाई द सिविल्स क्लब राइट वाई दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड वाई द सिविल्स क्लब तो देखिए वेरी सिंपल है राइट एज आई टे यू दैट हैंड होल्डिंग ठीक है टेस्ट कॉपीज विल बी इवेलुएटेड बाई मी आई विल इवेल्यूएट मैं आपको स्टेप बाई स्टेप मार्किंग दूंगा एंड आई विल मैंशन की मैंने क्यों यहाँ पे नंबर काटे नंबर देना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी दे दो थ्री फोर नो जेनरिक कमेंट्स कैन डू बेटर ना कोई भी जेनरिक कमेंट होंगे ही नहीं भाई नो जेनरिक कमेंट्स याद रखना है कैन डू बेटर ओके गुड वर्स्ट बेकार पुअर राइट इम्प्रूव योर आंसर ये क्या बात है सर नो जेनरिक कमेंट्स सेकेंड देर विल बी अर पर्सनलाइज अटेंशन लुकिंग फॉर रिजल्ट आई एम लुकिंग फॉर रिजल्ट और मैं पहले ही बोल चुका हूँ द मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल द मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इज टू गिव रिजल्ट और अब धीरे धीरे हमारे हर साल आ रहे इस बार भी सौ बच्चा मीन्स लिख रहा है एंड आई एम श्योर मैनी विल डू वेरी वेल राइट ठीक है देन देर विल भी अवेलेबिलिटी राइट देर विल भी अफोर्डेबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देर विल भी एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट सस्ता महंगा ठीक है लोग पैसा देने को तैयार है बट आप देखो पैसा लेने के बाद यू विल सी कैसे कैसे स्कैम कर दिए जाते हैं ट्रस्ट मी इससे अच्छा कोर्स मार्केट में इस पर्टिकुलर प्राइस पे यू विल नॉट बी गेटिंग इट इफ़ यू डोंट बिलीव मी जस्ट चेक आउट द रिव्यूज ऑन द गूगल एंड दे आर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव सब्सक्राइब टू माई कोर्सेज उन्होंने मेरे कोर्सेज को सब्सक्राइब किया है नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल ये बहुत चलता है राइट पूजा साहू आप देख सकते हैं शी वॉज माई स्टूडेंट राइट एंड शी बिकेम आई एस अभी करेंटली आई एस है ए आर वन नाइनटी नाइन वेरी फर्स्ट मेन्स में इसका बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस था एंड लुक एट वॉट शी हैज टू से दैट बेस्ट सोर्स फॉर पी एस आई आर ऑप्शनल एक्सेलेंट कंटेंट बेस्ट पार्ट इज यू कैन कॉन्टैक्ट सुमित सर एनी टाइम देख रहे हो ये कब लिखा गया है दो हजार बाईस का रिव्यू है तो ये कोई है वी आर इन पच्चीस आ गया है बस ठीक है तो दो तीन साल पुराना आप देख लो सुमित सर एनी टाइम क्योंकि मेरी ये यूएसपी है अब लोगों को बाद में पता चल रहा है जब इतना इतना पैसा दे दे रहे हैं कि यार सर वहाँ तो इतना बर्बाद कर दिया ठीक right, है राइट यू कैन कॉन्टैक्ट सुमित सर एनी टाइम ही विल ऑलवेज हेल्प यू आई वॉज ए स्टूडेंट एंड गॉट ए आई आर वन नाइनटी नाइन इन यू पी एस सी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी वन दिस वॉज द मोमेंट ऑफ माई लाइफ यार इसमें मेरे स्पेशली वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब पर पढ़िए यूट्यूब पर पढ़िए सब जाके देख लो मैं ये सब नहीं दिखाने वाला ठीक है राइट आई कुंट हैव डन विदाउट हिज गाइडेंस ठीक है राइट प्रॉपर स्टूडेंट है ऐसा कोई नहीं है ठीक है राइट इंटरव्यू में खींच लिया आपने फोटो और हो गया राइट पास्ट रिजल्ट्स ए आर फोटी थ्री शुभम शुक्ला मेरा आंसर राइटिंग स्टूडेंट का था एआर हंड्रेड सेवेंटीन चैतन्य गिरी मेरा फाउंडेशन बैच स्टूडेंट था वन नाइन्टी नाइन पूजा साहू एंड मैनी मोर यार बहुत सारे बारह पंद्रह लोग बन चुके हैं ठीक है राइट स्टेट पी में तो एक लड़की का तीन नंबर आया था आसाम पी उसने टॉप कर दिया था राइट इफ यू सी दिस प्रियंका कुमार तीन नंबर राइट अभी इसकी राइट राइटू गॉट मैरिड एंड जी वॉज वेरी मतलब हैप्पी कि यार सर बताइए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग ठीक है राइट right. देन उसके बाद पूजा साहू हेयर वन नाइट एयर सबके रिव्यू ना आप पी एस आई आर टॉपर करके अपने चैनल में जाना और पीएसआई टॉपर की प्लेलिस्ट देख लेना सारे टॉपर्स की आपको यहाँ पे ठीक है आ जाएंगे कुछ जीएस के भी टॉपर्स है कुछ पी एस आई आर के भी टॉपर ये देखो मोनिका पटेल राइट ठीक है फर्स्ट पी एस आई आर लियस ने मैथिल लिटरेचर से चेंज करके टू सेवेंटी टू मार्क्स है इसके पी एस आई आर में ठीक है प्लस देर आर मेनी स्टूडेंट्स लाइक यू विल सी जिनके पी एस आर में अच्छे नंबर आए बट फॉर्चुनेटली रैंक नहीं आया ठीक है बट स्टिल दे वेरी वेल सो ऑल दीज आर मतलब प्रॉपर रिजल्ट कोई भी भाई फेक वेक नहीं है कि बस फोटो खींच ली बस इंटरव्यू लेके हाँ हाँ क्लेम इट ठीक है राइट ये सब कुछ यहाँ नहीं चलता भाई बिकॉज ये मेरे लिए भी एक्ट है भाई जब कोई बंदा मेरे लिए ऐसी वीडियो बनाता है वो मेरे लिए भी एक्लेड है ठीक है आई डोंट वैल्यू ऑल दैट ट्रॉफी ऑफी भाई मेरे लिए एक्लेट ये ठीक है राइट दिस ऑल दिस हैव बीन बिन एंड कभी आप आओगे तो आई शो यू ठीक है ये मेरे लिए भी है नेक्स्ट उाउू यू एनरोल तो क्या है सिंपली विजिट डॉट सिविल डब्ल्यू डबू डॉट सिविल क्लब डॉट इन ठीक है दैट इज हाउ यू विल बी गोइंग एंड ये आपको कोर्स मिल जाएगा ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं एंड स्ट्रिक्ट इट इज अ थ्री मंथस कोर्स तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट सर एक्सटेंड कर दो नहीं 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 टाइम में ही न भाई टाइम में ही करना है ठीक है नहीं तो मत आओ कोई दिक्कत नहीं है भाई ठीक है टाइम में ही करना है नेक्स्ट थ्री मंथस फॉर पी एस आई आर जिसको अच्छे से करना है ठीक है तो आ सकता है भाई आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में होने वाला है नेक्स्ट वॉट इज द सरप्राइज यू आर इज द सरप्राइज सो यू ऑल नो मैं ये क्या बोलते हैं आंसर राइटिंग करवाता हूँ एंड आंसर राइटिंग मैं करवाता हूँ थ्रू पी वाई क्यूज राइट टेस्ट सीरीज भी यूल सी और मेनी पी वाई क्यूज गेटिंग रिपीटेड तो पी वाई क्यूज का मैंने एक्सक्लूसिवली एक कोर्स बनाया था इस बार लॉन्च भी किया था राइट मेन्न मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम पर एंड हंड्रेड आवर्स ऑफ आंसर राइटिंग मैंने उसमें करवाई है जहाँ पे मैंने मैंने ब्रेन स्टॉम करे हैं सारे के सारे पी वाई क्यूज ऑलमोस्ट सारे के सारे ये है और ये अभी रिसेंटली ये जो मेन्स के स्टूडेंट थे उन्होंने ये कोर्स अटेंड किया था राइट एंड दिस वॉज मोर देन हंड्रेड आवर्स ऑफ आंसर राइटिंग सिक्स थाउजेंड का कोर्स है राइट बट इफ यू एनरोल इन टू द पी एस आई टेस्ट सीरीज एज वेल एज इन टू दिस इफ यू वॉन्ट की सर हम आपसे आंसर राइटिंग सीखना भी चाहते हैं राइट ठीक है दैट सर मुझे पहले सिखाओ इन सेंस वॉट इज ब्रेन स्टॉमिंग वट इज मतलब माइक्रो क्वेश्चन मैनेजमेंट वॉट इज माइक्रो क्वेश्चन फॉर्मेशन वॉट इज इंट्रो कंक्लूजन कैसे सोचते हैं टॉपर कॉपी का पूरा पूरा डिटेल में हंड्रेड आवर्स का अगर आप देखना चाहते हो ऑन ऑल द टॉपिक्स तो दिस इज अ कोर्स फॉर यू मेनी पीपल एनरोल इन टू दिस ठीक है एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन बोथ द कोर्सेज देन बोथ द कोर्सेज आपका ट्वेल्व थाउजेंड समथिंग फाइव हंड्रेड का होगा बट इफ यू जॉइन देन दैट विल बी इन द टेन थाउजेंड तो दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू पी एस आई आर आंसर राइटिंग फॉर यू पी एस सी दिस इज द कंबाइंड कोर्स आप इसमें एनरोल कर सकते हो दिस इज द कॉम्बो ऑफर विच इज गोइंग ऑन और ये अभी कुछ दिन के लिए है देन दिस कॉम्बो विल बी डिसअपियरिंग फ्रॉम द वेबसाइट तो दिस इज अ वेरी मतलब फॉर द वेरी फ्यू पीपल ये हो पाएगा ठीक है सिंपली सिविल्स क्लब डॉट इन स्लैश लेवन पर जा सकते हो अगर आपको पी एस आई आर की टेस्ट सीरीज सिर्फ चाहिए राइट दिस इज द कोर्स एंड अगर आपको आ, पूरा का पूरा आंसर राइटिंग मॉड्यूल जहाँ पे मैंने इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स पूरे पूरे दो दो घंटे के डिस्कस किए हैं राइट तो क्या है दोनों कंबाइन करके आप ये ले सकते हो और सिर्फ वो कोर्स चाहिए तो दिस इज द लाइव आंसर राइटिंग का कोर्स आप इसमें एनरोल हो सकते हो नेक्स्ट एनी किसी का भी कोई से एनी एनी डाउट ठीक है तो माई टेलीग्राम आई डी सोमितज देयर आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आप मुझसे कॉल पर बात करनी है इस पर मैसेज करो आई विल गेट इन टच विथ यू एंड आई विल डिस्कस विथ यू ऑन कॉल एज वेल इफ यू वॉन्ट टू राइट टू मी ई मेल लिखना चाहते हो तो हेल्प एट द रेट सिविल्स क्लब डॉट इन इस पर जाके आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हो अगर ये भी नहीं करना चाहते सिंपली क्या करो दस सिविल्स क्लब का ऐप डाउनलोड कर लो एंड वहाँ पे हेल्प सेक्शन में चैट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को रेस कर लो आई विल पर्सनली कॉल यू ठीक है अपना ऐप है अभी पे ठीक है गूगल पे है पे तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो यही मुझे बतानी थी मेरी तरफ से ऑनेस्ट एफर्ट रहेगा इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर इफ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट डेफिनेटली यू रिक्वायर अ वेरी गुड मेंटर अब देखिए जमाना मेंटरशिप का आ चुका है ठीक है यू विल सी पीपल ट्रैकिंग इट फ्रॉम विलेजेस फ्रॉम विलेजेस विद द राइट गाइडेंस एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन माई गाइडेंस ऑन माई ऑनेस्टी इफ यू वॉन्ट टू कम योर मोस्ट वेलकम चलिए दिस इज मी सो मच साइनिंग ऑफ बाय